राजधानी लखनऊ में मंगलवार को योगी कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए प्रदेश में बंद पड़े सिनेमाघरों को पुनः संचालित किए जाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही मल्टीप्लेक्स विहीन जनपदों में जल्द से जल्द मल्टीप्लेक्स निर्माण को प्रोत्साहित करने समेत संचालित सिनेमाघरों के उच्चीकरण हेतु समेकित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की है। वहीं यह योजना 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बारे में बताया कि प्रदेश में बंद एकल छविगृह संचालित सिनेमाघरों का पुनर्निर्माण व सिनेमाओं के उच्चीकरण हेतु समेकित प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है। सिनेमाघर मल्टीप्लेक्स द्वारा राजकोष में जमा की गई SGST से प्रस्तावित अनुदान दिया जाएगा, जिससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं आएगा। इसी क्रम में योगी सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं को उद्योग का दर्जा दिए जाने के लिए निर्णय लिया है।